हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका डेरिवेशन और इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। मैं महेंद्र, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम क्या है। व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड द रिजल्टिंग इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। मीन्स जब फ्लो ऑफ फ्लूइड में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं तो जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन होती है। अब इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं, इन ए स्टडी स्टेट, मतलब एक स्थिर अवस्था में आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूड द टोटल एनर्जी पर यूनिट मास विच कंसिस्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूड इज कांस्टेंट। तो बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार क्या है कि अगर हम स्थिर अवस्था की बात करें तो अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूड है तो उसकी टोटल एनर्जी पर यूनिट मास जो है वो हर पॉइंट पे सेम होगी। टोटल एनर्जी क्या क्या है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस डायग्राम के थ्रू आज हम बर्नौलीज थ्योरम को डेराइव करेंगे। तो इसमें क्या है, एक पाइपलाइन है जो कि एक पंप के थ्रू कनेक्टेड है। ये लिक्विड को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करा रही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और प्रेशर एनर्जी कितनी होगी। तो अगर हम बात करें पॉइंट ए पे प्रेशर एनर्जी की, तो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी है वो तीन चीजों पे डिपेंड करेगी। उस प्लेस पे प्रेशर कितना है पी ए, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है रो ए, और वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करेगी। तो अगर हम प्रेशर एनर्जी की बात करें तो क्या है, सिंस लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू द पाइप एट सर्टेन प्रेशर सो द प्रेशर एनर्जी इन जूल कैन बी रिटन एज प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू पी ए अपॉन रो ए जी। ये है इक्वेशन नंबर वन। और यहां पे पी ए क्या है, प्रेशर एट पॉइंट ए, जी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स, और रो ए क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली लिक्विड के वेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम पॉइंट ए पे 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो इसकी वो डेफिनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द एनर्जी पासेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन आर कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो इसको हम एक्स ए से डिनोट करते हैं। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक्स ए। ये है इक्वेशन नंबर दो। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, लिक्विड के मोशन के कारण जो क्रिएट होती है एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ये लिक्विड की वेलोसिटी के ऊपर वो डिपेंड करेगी और ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज एनर्जी पासेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी वो एक्वायर कर रहा है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यू ए स्क्वायर अपॉन 2g। यू ए क्या है, ये है पॉइंट ए पे लिक्विड की वेलोसिटी या उस प्लेस पे लिक्विड के फ्लो की स्पीड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम टोटल एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी आएगी एट पॉइंट ए वो क्या हो जाएगी, पी ए अपॉन रो ए जी प्लस एक्स ए प्लस यू ए स्क्वायर 2g, ये कांस्टेंट रहेगी। अब हम लोग बात करेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन रो बी जी प्लस एक्स बी प्लस यू बी स्क्वायर अपॉन 2g, और ये भी कांस्टेंट रहेगा। ये है इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग बात करते हैं एक्स बी क्या है, एक्स बी हाइट ऑफ पॉइंट बी, यू बी क्या है वेलोसिटी एट पॉइंट बी, और पी बी क्या है प्रेशर एट पॉइंट बी, एंड रो बी क्या है डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट बी। अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो हम
पॉइंट ए पे जो टोटल एनर्जी है उसको इक्वल कर देंगे पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी है उसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, पी ए रो ए जी प्लस एक्स ए यू ए स्क्वायर टू जी इज इक्वल टू पी बी रो बी जी प्लस एक्स बी प्लस यू बी स्क्वायर टू जी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम में देखा कि यहाँ पे हमने एक पंप अटैच किया है, पंप कुछ ना कुछ जो है एनर्जी इसमें इंक्लूड करेगा, ऐड करेगा, और जब लिक्विड पाइपलाइन के थ्रू मूव करेगा तो फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी लॉस होगी। तो इसको जब हम बर्नौली थ्योरम में ऐड करते हैं तो हमारी इक्वेशन हमें जो प्राप्त होती है, तो अगर हम ये मानते हैं कि जो एनर्जी एडेड बाय द पंप क्या है, ये है प्लस डब्ल्यू जूल, और लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द फ्रिक्शन क्या है, माइनस एफ जूल। जब इसको हम जो है अपनी इक्वेशन नंबर 5 में इंक्लूड करते हैं तो जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वो क्या होती है, पी ए अपॉन रो ए जी प्लस एक्स ए यू ए स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस डब्ल्यू माइनस एफ इज इक्वल टू पी बी रो बी जी प्लस एक्स बी यू बी स्क्वायर अपॉन टू जी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में। तो इट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो यूजिंग ऑरिफिक मीटर एंड वेंचुरी मीटर। और इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है वो क्या है, दिस थ्योरम इज अप्लाइड इन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन प्रेशर हेड। तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज कर रहे हैं और वहां पे हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम इसको यूज करते हैं, और ये ऑरिफिक मीटर और वेंचुरी मीटर में प्रेशर को या जो एनर्जी को कैलकुलेट करने में इसका हम उपयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको बर्नौलीज थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।